समस्या वार्ड नंबर 8 का जो ये एनएस कॉलेज का पीछे का जो एरिया है, ये जब से हम निर्वाचित हुए हैं उससे पहले से भी यहाँ जल जमाव की समस्या हमेशा बनी रही, चूँकि पीछे का जो एरिया है कटोरा की तरह है, पानी निकालने का कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर कंस्ट्रक्शन का उसमें रोड और नाला का भी काम अगर होगा भविष्य में, तो कम से कम 1.5 फीट 2 फीट मकान सबका चला जाता है। अभी वर्तमान में नगर परिषद के द्वारा, हम ही लोग के संस्था के द्वारा अभी नाला को इसमें जोड़ा जा रहा है, जबकि इस समस्या से जल निकासी का कोई समाधान नहीं होगा। और वार्ड नंबर 8 में अगर इस तरह से जोड़ा जाता है तो और जल जमाव की स्थिति बनेगी। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि इसमें ना जोड़ा जाए। अभी हम लोग के नगर परिषद से 17 नाला का प्रस्ताव पास हुआ है और उसमें कुछ दिन में काम शुरू हो जाएगा। तो मैं वार्ड नंबर 9 के और 23 के जनता से अनुरोध करना चाहूँगा, इतना दिन आप अगर मैंने जल जमाव को जूझे हैं तो 2-3 महीना 4 महीना और थोड़ा जूझ लीजिए, आपका सब दिन के लिए समाधान हो जाएगा। हमारा नगर परिषद इसके लिए तत्पर है, लेकिन हम लोग अपने बचाने के लिए हम लोगों के जनता को मत डुबाइए। क्या नाम है? विक्की कुमार। जल समस्या से ग्रसित हैं हम लोग, लगातार 4-5 वर्षों से लगभग जल समस्या से ग्रसित हैं। हमारा जो मोहल्ला है वहाँ न नाली की कोई व्यवस्था है, न जल की व्यवस्था है निकासी की। अभी हमारे यहाँ पुल से ही जल जमाव है और उसके बाद नगर परिषद के लोग वार्ड नंबर 23 और 9 का जल निकासी करने के लिए वार्ड नंबर 8 में जल दे रहे हैं, जबकि पश्चिम से निकास का कोई उपाय नहीं है कि पश्चिम में जल निकासी की कोई संभावना नहीं बन रही। बाढ़ शहर के पूरब में जल निकासी की संभावना बनती है। काई चक से ये लोग गुलाबबाग चौक की ओर जल निकासी करें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस प्रकार से जल निकासी करेंगे तो हमारा पिछले कई वर्षों से हमारा शौचालय का टंकी जो है फुल भरा हुआ है जल से, हम लोग बहुत बदतर स्थिति में है। लेट्रिन तक शौचालय में जाने से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है और ये जल जाने से हम लोग की स्थिति एकदम दयनीय हो जाएगी, नारकीय हो जाएगी, सर्पदंश की संभावना है। बगल में बेली स्कूल का जो जंगल है उस जंगल में विशाल विशाल सर्प रहते हैं, जिससे हम लोग का ऐसे भी जान माल का खतरा रहता है। हाल में भी एक दो सर्प आज क्या हो रहा है? आज ये लोग कह रहे हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी बाढ़ के द्वारा जल निकासी के नियत से इस जल को हमारे मोहल्ले में डालेंगे। कैसे कैसे लाएंगे? ये नेशनल हाईवे को काट के लाएंगे और नेशनल हाईवे से इन्होंने परमिशन भी नहीं लिया है। नेशनल हाईवे एक अलग विभाग है, उसके भूमि पर कोई काम कीजिएगा तो नेशनल हाईवे से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। नेशनल हाईवे से अनुमति नहीं लिए हैं लोग, एक जनता को बचाने के लिए दूसरे जनता को डुबा रहे हैं। वार्ड नंबर 24 और वार्ड नंबर 8 की जनता और 25 की जनता इससे पीड़ित होगी। कहा कि आगे नाली टूटा हुआ है, डलबावसा चौक से आगे नाली जो वार्ड नंबर 25-24 के सीमा पर जाता है उसका रिपेयरिंग ये लोग नहीं करते हैं। फिर यहाँ पानी डालेंगे तो ओवर पानी कहाँ जाएगा? फिर एनएस कॉलेज का मैदान डूबेगा, हमारा घर तो डूबा है और डूब जाएगा। क्या नाम? हमारा नाम रंजीत कुमार है। रंजीतों से पूछूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फ्यूचर के सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना न भूले।